बैक टू माय ब्लॉग। और आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग सोच रहे होंगे रेडी होके कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ मम्मी के यहाँ पे, क्योंकि अभी आई हूँ और फिर से आना पड़ा है, क्योंकि कल है राजा का बर्थडे और आज रात को 12 बजे केक कटिंग होगा। तो मम्मी ने बोल दिया था कि आ जाना आप लोग, तो मैं और परी जा रहे हैं अभी। और देखो देवू मम्मी शायद कल जाएंगे, सो अभी जाते हैं मम्मी के यहाँ पे और अब जाके मिलते हैं। सो मैं आ गई हूँ मम्मी के घर पे और यहाँ पे देखो बरसा ने कितनी अच्छी डेकोरेशन करके रखी है, ये देखो। अरे और ये देखो पप्पी कैसा पागल हो गया पप्पी। और मम्मी बनाएंगी मटर पनीर, ये मम्मी बैठी है, इसने की है सारी डेकोरेशन। जाजी से बर्थडे गिफ्ट बताओ। देख रहा कैसे आ रहा क्या चाहिए और क्या मेरे भैया वाली पसंद नहीं है मेरे को। भाग्य दिला दे, भाग्य दिला दे, ऐसे वाली पसंद नहीं है। और परी 10 रुपए लेके आई हो। गोपेश बोल रहा था कि मामा से बोल दूंगा एक कैडबरी का वो ले लेना सेलिब्रेशन मामा को देने के लिए। मम्मी बोल रही है 10 रुपए से टीका कर दे। क्या परी और मम्मी क्या बोल रही थी, कहेगी सब्जी छोले वो हाँ मटर पनीर की। हमारे यहाँ पे हमारे घर पे ज्यादातर छोले पनीर बनते हैं और मम्मी बना रही है मटर पनीर की सब्जी। क्या क्या डाल दिया है? ये प्याज, गरम मसाले। मसाला नहीं पीसा तुमने? मम्मी अलग तरीका से बनाती है और मैं अलग तरीका से बनाती हूँ। ये भी आ गई देख ले। और बरसा बता कैसे गए एग्जाम तेरे? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। क्या उम्मीद है पास होने की? बिल्कुल। और पप्पी का खाना आ गया है, क्योंकि ये बहुत देर से मम्मी को परेशान कर रहा था दूर। और इसका खाना वैसे ये डॉग फूड ही खाता है, बट अभी डॉक्टर ने बोला, अभी डॉक्टर ने बोला है कि नॉर्मली राइस वगैरह इसको खिला सकती है, क्योंकि अभी बड़ा हो रहा है ना, इसीलिए सभी अब हम लोग खाते है तो ऐसा, इसीलिए डॉक्टर ने बोला है थोड़ा बहुत अपन घर का फूड भी इसको खिला सकते हैं। जब तक मम्मी बना रही है खाना, पानी दिया, पानी नहीं पिलाया उसको, पानी पिला दो। चलो हाँ हाँ परी स्लीपर पहना लो। हाँ परी ने पहन लिया, स्लीपर लेके ही नहीं आई है वो। इधर आओ, चलो चलो चलो। जब तक हम लोग आते नीचे घूम के क्या करेंगे जब तक, ये देखो भागो नहीं गिर जाओगे, गिर जाओगे। आपको दिखाएंगे कि नीचे कैसा लगता है। पप्पी आ रहा है, वो आने नहीं देता है, निकलने नहीं देगा, वो खुदाने की जुगाड़ बना रहा होगा अपनी, वो भूखेगा बहुत ज्यादा। ये नहीं 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 मस्त रास्ते में भूख लगना चालू है अभी है। हाँ जब तक मम्मी बना लेती है खाना, जब तक जा रहे हैं परी के पापा और राजा। चलो चलो परी चलो। चलो बैलून लेके आई थी पकाए, जब तक थोड़ा मारते तो हम लोगों ने सोचा जब तक नीचे हम लोग वॉक करके आते। अरे इधर देखो परी को तो ऐसा लग रहा है खेलने के लिए कुछ देख के, हमने सोचा थोड़ा और भी बाहर का देख ले, क्योंकि वैसे वीडियो मैंने दिखाया है यहाँ पे ये ऐसे घर भी हैं जो कि जैसे जो कोई फिल्म क्या चांद आज नहीं है, कल ही परसों निकला था वो। और थोड़ा सा बाहर का घूम के आते हैं करने के लिए, मेरा तो मन ही नहीं होता है जाने का। और परी भी बहुत मस्ती करती है, तभी तो परी रेडी हो जाती है नानी क्या बजाना है। और देव रो रहा था कि मम्मा परी को ही ले जाती है, मुझे नहीं ले जाते आप कभी भी। तो मैं अभी ना सुबह उसको बुला लूँगी, क्योंकि उसका भी मन होता है, वो भी अभी इतना बड़ा नहीं है, 7 ईयर का ही है उसको भी, मतलब उसकी वजह से ही मैं ज़्यादा नहीं आती हूँ, आऊँगी तो एक दिन के लिए। झूला और गिर जाओगे धीरे धीरे झूलना इसको, ये इसीलिए आना इसको इसीलिए ना अच्छे हैं।
अभी ज़्यादा नहीं है, जो थोड़ी और रात हो जाती है जैसे 10 बजे के बाद काफ़ी लोग आते हैं खाना वाना खा के वॉक करने के लिए। मैं भी थोड़ा देखती हूँ बैठ। डर लगता है, मैं ज़्यादा दूर नहीं हूँ वैसे। चलो गिर जाओगे अकेले। परी तो सही झूल लेती है, जलाना उसे। अरे यार धीरे से जला रही, दम भी नहीं हो रहा है। मैं थोड़ा बहुत घूमना था मुझे, बस बस नीचे आके देखना था कैसा लग रहा है, क्योंकि शाम के टाइम यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। बस अब मैं जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि मम्मी अकेले से खाना बना रही होंगी। मम्मी बोलेंगी 15 मिनट की बोल के गई है, अभी तक नहीं आई। तो चलो ऊपर जाके देखते हैं कि मम्मी ने क्या क्या बना लिया है। परी का तो बिल्कुल ही मन नहीं होता है नीचे गार्डन में से ऊपर जाने का, बट मम्मी अकेले परेशान हो रही है। पप्पी इतना गंदा है, अगर कोई उसको छोड़ के नीचे उसको इतना आइडिया होता है कि वो दौड़ रहा है। मुझे तुम लोग जाओ, मैं तो नीचे ही रहूंगी, मैं सीढ़ी से आऊंगी चढ़ के। चलो नीचे से आने का बिल्कुल ही मन नहीं होता। मम्मी और बस अब पर डे खाना खाते 9 बजे के बाद ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं गार्डन एरिया में, और उन लोग एक दो घंटे वॉक करके फिर तब ऊपर। उनका तो रोज का नियम है। मैं भी जब कभी आती हूँ तो नीचे राउंड मार के आती हूँ। और इसकी ना चाय कहीं भी जाए वहां पर जाके इसकी मस्ती चालू हो जाती है, और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है मम्मी की सब्जी की, बाहर तक खुशबू आ रही है सब्जी की। मम्मी ये चला गया बाहर, ये चला गया बाहर। चलो चलो अंदर अंदर चलो अंदर चल 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 आगे चल। और ये देखो, ये देखो अभी पागल हो गए हो क्या? कोई भी नीचे जाओ उसको छोड़ के। और जब तक देखो मम्मी ने बना लिया मटर पनीर, और इधर राइस बन रहा है, इतने थोड़े से राइस हो जाएंगे सबके लिए। और मम्मी पता नहीं वहाँ बाहर तक खुशबू आ रही थी सब्जी की। मम्मी इतना अच्छा कुक करती हैं। मैं मम्मी को सजेशन दे रही हूँ, मम्मी से मैं बोल रही हूँ कि मम्मी अपना चैनल स्टार्ट कर लो, जिसपे आप फूड ब्लॉग और रोज एक दो रेसिपी पर डे नहीं तो दो दिन में एक रेसिपी की वीडियो आप दे सकते हो। क्योंकि मम्मी पप्पी बेचारा ये देखो ऐसे शैतानी करके, और फिर ऐसे इतना मतलब शांत बन जाता है, कुछ कह नहीं सकती मैं, इससे अच्छा कोई हो ही नहीं। और ये आ गई, इसने मोबाइल उठा लिया नानी का। तो बस जब तक परी के पापा आ जाते हैं, भैया भी आ जाते हैं, तो 12 बजे होगी केक कटिंग, पहले खाना वाना हो जाएगा। और परी के पापा शायद चले जाएंगे, क्योंकि मम्मी और देव अकेले हैं घर पर, तो इसीलिए वो चले जाएंगे। और मैं तो देखूंगी, क्योंकि मैं शाम को ही जाऊंगी, मुझे भैया छोड़ने जाएंगे। कल का कुछ सोचा है कहीं बाहर जाने का, खाना वाना कहीं बाहर पे, देखो भैया बाहर ले जाएंगे, तो इसीलिए। पप्पी बेटू, ये हमारे घर का इतना शैतान बच्चा है, इतना शैतान बच्चा है, कुछ कह नहीं सकते, शैतान बच्चा है। और मम्मी देखो अभी इतनी इसको खाना नहीं दिया है, तो ये भूख रहा है। और इधर परी पापा खाना खा रहे हैं। और ये भी खा रहा है, और पप्पी भूख रहा है। पप्पी ने 2 बार खा लिया है जब से, और लेकिन उसकी आदत है कोई खाना खाने बैठे तो ये पहले से भूखना स्टार्ट कर दिया। बेचारा ऐसे बैठ गया, इसको बलून से इतना डर लगता है, और परी डर पा रही थी बलून लेके हाथ में। अभी बज गए हैं रात के 11, 1 घंटा और फिर उसके बाद में होगा केक कटिंग। राजा कहाँ गया? अंदर। हाँ सो नहीं रहा था। 12 बजने में सिर्फ 10 मिनट की देरी है जब तक बरसा गई केक लेने, केक उठाने। आ जा राजा, भैया आ जाओ। सो अभी केक कटवाएंगे, और मेरे को तो नींद आने लगी क्योंकि खाना जल्दी खा लिया था, जल्दी नहीं खाया था, खा तो 10 ही बजे खाया, 11 बजे खाया था, तो खाना खा के तो नींद आती है। अब केक वेक कटिंग हो जाए फिर उसके बाद में सोएंगे। परी नॉर्मली जगती है अपने घर पे भी। क्यों परी अपने घर पे भी जगती है 12 बजे तक? परी केक कटवा के सोओगी मामा का?
नींद आ रही है पर सोएगी नहीं अभी। टाइम देखो आप, 10 मिनट बचे, जल्दी से केक कट जाए। बरसा लिया केक, केक राजा की बर्थडे। बुलाओ राजा को, बुलाओ भैया। देख क्या खाए। ओ, पप्पी, पप्पी को दूर रखो। और ये कौन सा पार्टी है? हैप्पी बर्थडे टू यू। तो मत दे। सो बज गए हैं 12 और राजा को विश करो, सब जने मम्मी सब जने विश करो भैया, सब लोग मिलकर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर राजा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर राजा, हैप्पी बर्थडे टू यू। अभी 12 बज गए करेक्ट बजे और राजा ने केक, इसको बुझा दो, दो। तेरे में भी ऐसी मैं नहीं बुझा दी, उसने बुझाया नहीं। केक पे ध्यान नहीं होगा, नाक में चलो So, केक कट होने के बाद में मुझे बहुत मस्त लग रहा है। Hey guys, good morning. Good morning नहीं बोल सकते हैं क्योंकि 9 बज रहे हैं और रात में लेट सोए थे। सो अभी 9 बजे जगी हूँ और बरसा और परी अभी भी सो रही है। मम्मी जग गई थी सुबह पर उन्हें उठाया नहीं क्योंकि रात में लेट सोए थे इसीलिए। और आज धूप यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं निकली है। चलो मम्मी बना रही है जब तक चाय, क्योंकि मम्मी ने अभी चाय बनाई नहीं है, हम लोग उठे नहीं थे इसीलिए। और राजा और भैया गए हैं जिम, राजा भैया गए हैं दोनों जिम और मम्मी बना रही है इधर चाय। रात को काफी लेट हो गए थे, सो बर्तन भी साफ नहीं हुए थे। जल्दी चाय पियेंगे, परी को भी उठा दे। और देखो भैया का रूम बिखड़ा पड़ा है, ये भैया का रूम है और यहाँ से मुझे भैया के रूम में ये ना ये जो दी है ना यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है बालकनी, ये खिड़की दी हुई है यहाँ पे, इसको हटा के भैया के रूम की बालकनी छोटी सी है। इसमें मम्मी यहाँ का कपड़े की भंडार है। इधर काफी बिल्डिंग्स बन भी रही हैं और देखो ये सुबह सुबह कितने प्यारे प्यारे कबूतर उड़ रहे हैं। और यहाँ पर देखो ऐसे लगता है यहाँ पर मतलब अभी बन रही हैं काफ़ी बिल्डिंग्स, अभी जो यहाँ पर भी काम चालू है। और सुबह सुबह कितनी प्यारी प्यारी मोर बोल रही हैं। वो दोपहर तक हम लोग चले जाएंगे क्योंकि परी पापा को बोला है कि जल्दी घर चले जाना और वो तो आ नहीं पाएंगे शायद, क्योंकि घर पे पता ही है कि काम वाले लगे हुए हैं, मतलब काम चल रहा है घर पे इसीलिए वो नहीं आ पाएंगे। और देखो कब मम्मी वगैरह खाना वाना खाने जाएंगे शायद बाहर, उसके बाद में मैं सीधा अपने घर निकल जाऊंगी। और मम्मी भी बना रही है पोहा, ये देखो ऐसे कौन कौन बनाता है। इसमें जी वाली बड़ी वाली जल जी, और पप्पी बेचारा शांत बैठा है और पप्पी जब भूखना होता है ना तब इतनी। चाय बन गई है, अमीरा कप कौन सा है कोई सी। और चाय के साथ में मम्मी ने पुआ तले और बिस्किट टोस्ट। सो चलो चाय पी लेते हैं। परी बजे कौन कौन मेरी तरह चाय पीता है? 9:30 बजे 9:30 बजे गए यहीं पे पी रही हूँ सर अपने घर पे, तो 8 बजे तक पी लेती हूँ। मायके में आजादी हो जाती है आराम से उठना। सही कहा। अब मैं बैठो 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 उधर नहीं जा, उधर नहीं जा रहा गुब्बारा बैठा गुब्बारा। so, आज का ब्लॉग एंड करते हैं और लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय।